सो हेलो एवरीवन, यह है बजाज ऑटो का शेयर और इस शेयर के यहाँ पर जो है क्वार्टर टू के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इस शेयर के रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस में जो इनकम है वो 11,138 करोड़ था, जो इस क्वार्टर 13,512 करोड़ हो गया है। पिछले क्वार्टर ये 12,248 करोड़ था, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर यहाँ पर इनकम इंक्रीज़ हुई है और उससे पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर भी यहाँ पर जो है इनकम इंक्रीज़ देखने को मिला है। बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की, वो यहाँ पर ईयरली बेसिस में 8,738 करोड़ था, जो यहाँ पर इस क्वार्टर 10,586.81 करोड़ हो गया है। उससे पिछले क्वार्टर ये 9,627.12 करोड़ था, यानी कि यहाँ पर ईयरली बेसिस से इस क्वार्टर यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिला है और उससे पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर भी यहाँ पर जो है इंक्रीजमेंट हुआ है। बाकी यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वार्टर यहाँ पर 1,867 करोड़ था और यहाँ पर जो है इस क्वार्टर बढ़कर ये 2,530 करोड़ हो गया है। उससे पिछले क्वार्टर ये 2,069 करोड़ था, यानी कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस से इस क्वार्टर में और क्वार्टरली बेसिस से इस क्वार्टर में जो है यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है इंक्रीज़ हुई है। अर्निंग पर शेयर को देखें तो वो 64 रुपये था यहाँ पर ईयरली बेसिस में, इस बार यहाँ पर 71.09 रुपये था, उससे पिछले क्वार्टर में 71.02 रुपये था। ईयरली बेसिस से इस क्वार्टर यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, पिछले क्वार्टर से भी यहाँ पर जो है इंक्रीजमेंट हुआ है। ओवरऑल यहाँ पर जो है शेयर के रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को आए हैं। बात कर लेते हैं हम प्राइस लेवल की, तो प्राइस लेवल आप देख सकते हैं 11,622.50 रुपये है, 0.88% के यहाँ पर रिटर्न देखने को मिले हैं। अगर आप चाहे तो इस शेयर को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करना चाहे तो लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से भी होल्ड कर सकते हैं। शेयर के रिज़ल्ट यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिले हैं, तो आज जो है अप ट्रेंड का मूव देखने को मिल सकता है।